भारतीय क्रिकेट टीम ने पर्थ टेस्ट में जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। रनों के लिहाज से मिली इस महाविजय ने 1977 के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। वहीं ऑप्टस स्टेडियम में यह ऑस्ट्रेलिया की पहली हार रही। भारतीय टीम अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-0 से आगे है। प्लेयर ऑफ द मैच कप्तान बुमराह रहे, जिन्होंने इस मुकाबले में कुल 8 विकेट झटके। आपको बता दें कि इस मुकाबले में कप्तान बुमराह ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी। टीम इंडिया ने पहली पारी में 150 रन बनाए। इसके बाद भारतीय टीम ने कंगारुओं की टीम को 104 रनों पर समेट दिया। फिर दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने दमखम दिखाया। टीम ने जायसवाल और विराट कोहली के शतकों के दम पर 487 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के सामने 534 रनों का टारगेट रखा गया। तो वहीं टारगेट के पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 295 पर ढेर हो गई। आपको बता दें कि इस तरह भारत की ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर रनों के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई है।